ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। नमस्कार। मैं आज शिंदे साहब के खेत में आया हूं। आप सभी को पता है कि सोयाबीन खरीफ फसल है, मतलब शॉर्ट डे पीरियड फसल है। इसको दिन ज़्यादा और रात कम होना, खरीफ की फसल होने के बावजूद भी श्री कृष्ण शिंदे साहब ने समर में धूपकालीन क्षेत्र में सीजन में ये NRC 142 एक नई वैरायटी इंदौर से निकली है, उसका समर में मतलब धूपकालीन फसल का उन्होंने बुआई की है। और इस तरह से ये पूरा खेत उनका 3 एकड़ का यहाँ पे आपके सामने है। बहुत मुश्किल से सोयाबीन खरीफ में आती है, लेकिन इन्होंने समर में करके दिखाया है। करिश्मा काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ज़्यादा समय ना बिताती हुए मैं सीधे शिंदे साहब से सवाल करूँगा कि आप शिंदे साहब नमस्ते, आप हमारे चैनल्स के माध्यम से हमारे किसानों को ये बताइए कि वैरायटी आपको कहाँ से मिली और कहाँ से प्रेरणा मिली, बताइए। तो आशुतोष जी नमस्कार, मुझे ये वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंदौर खंडवा रोड से साहब से ग्रे से थोड़ी मिली थी। मैंने उसको खरीफ में डिब्लिम करके उसको बढ़ाया था और मैंने फेवरेबल कंडीशन में तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन समर में कैसी आती है ये देखने के लिए मैंने ये खरीफ में अभी समर में ये 20 फरवरी को लगाई है और ये पूरा क्रॉप आप देख सकते हैं कैसा है क्या नहीं। और इसकी स्पेशलिटी ऐसे है, इसके यूनिकनेस डिस्टिंगनेस ऐसे है कि ये फूड ग्रेड में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका रूट स्ट्रक्चर भी ऐसा आते है, इतना फल्ली आने के बाद इसका स्टेम भी बहुत अच्छा है और ये फल्ली गिरती नहीं है। ये लगभग 70 सेंटीमीटर है आप देख सकते हैं और फल्ली भी कम से कम 200 के नीचे नहीं है। कहीं भी येलो मोजा कौन सा डिशीज नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है और कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है। खाली इसको 2 स्प्रे किया है और बाकी पेस्टिसाइड का कुछ नहीं है, कौन सा डिशीज नहीं है इसमें आप देख सकते हैं इसको। और पूरा 3 पॉडेड और 4 पॉडेड इसमें फल्ली है। पानी का नियोजन कैसा किया आपने? ये स्प्रिंकलर से 2 स्प्रिंकलर दिया है, अभी तीसरा चालू है। कीड़ नियंत्रण किस प्रकार से किया आपने? कीड़ नियंत्रण कुछ भी नहीं आया है, लेकिन प्रिकॉशन बोल के एक प्रोक्लेम लिया है। हमारे किसान भाइयों को रबी में अगर फसल बोएंगे तो उनको कीड़ के बारे में कोई दिक्कत आएगी तो आप उसके बारे में रेजिस्टेंस है? इसमें तो ये पेस्ट और डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है आप देख सकते हैं, और कौन सा कोई फंगिसाइड भी नहीं आता इसके ऊपर। इतनी साफ सुथरी फसल है और बहुत अच्छी फसल है। और ये वैरायटी का कैरेक्टर ऐसा है, इसको जो अपना जो हब है, जो डिसीज का हब है जबलपुर में, इसको 9752 और अमेरिका एक प्लांट इंट्रोडक्शन और जापान का एक प्लांट इंट्रोडक्शन करके ये वैरायटी को आप फूड ग्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं आप। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग आराम के साथ हो सकता है, 9 इंच के ऊपर ही उसको पल्ली है। और हमारे महाराष्ट्र में जैसे आपके और हमारे महाराष्ट्र में चक्री बुंगा की कीड़ बहुत आती है हमारे अमरावती में, इसको गर्डर बीटल स्टेम बोरर और सकिंग पेस्ट कुछ नहीं आता आप देख सकते हैं इसके ऊपर। नहीं अभी फिलहाल तो इसमें नहीं है। हाँ। लेकिन अगर रबी में आ जाती है, भी मैंने लगाया था और समर में भी लगाया है। जी जी जी। हाँ। शिंदे साहब आपने हमारे चैनल को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान जी। आप अमरावती से लातूर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। सफिशियंट पानी भेटल, उंची बघा ना याची किती आहे, NRC 142। बिलकुल फेवरेबल हे नाही।